हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑटो कंपेयर के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं रिनॉल्ट लॉडजी और किया सेल्टोस के बीच में। तो दोस्तों आज की कंपैरिजन के लिए हमने लिया रिनॉल्ट लॉडजी का RXZ8S मॉडल और किया सेल्टोस का STK+D मॉडल। दोस्तों मैं इन दोनों गाड़ियों की कीमत बता देता हूँ, तो रिनॉल्ट लॉडजी की कीमत है 12,11,000 रुपये और किया सेल्टोस डी की कीमत है 12,19,000 रुपया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ी में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है और किस में आपको ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं डिज़ाइन के साथ। तो किया की जो सेल्टोस है वो एक SUV डिज़ाइन कार है, जबकि जो रिनॉल्ट लॉडजी है एक MPV डिज़ाइन कार है। दोस्तों आपको रिनॉल्ट लॉडजी में आपको 1461 cc का डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 108.5 BHP का पावर जनरेट करता है और ये गाड़ी एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। वहीं बात कर लें किया सेल्टोस, तो इसके अंदर आपको 1493 cc का डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 113 BHP का पावर जनरेट करती है और ये गाड़ी आपको भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। दोस्तों बात कर लें माइलेज के मामले में, तो आपको रिनॉल्ट की लॉडजी में आराम के साथ 19.98 KMPL का एयराइट एस्टेड माइलेज देखने को मिलता है, वहीं आपको किया सेल्टोस में 20 KMPL का माइलेज देखने को मिलता है। तो दोस्तों रिनॉल्ट लॉडजी एक लंबी गाड़ी है, तो थोड़ी सी आपको माइलेज में थोड़ी सी गिरावट मिलेगी, पर अगर कंपेयर करें सेल्टोस से दोनों की माइलेज बराबर ही लगती है। दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें इंटीरियर्स के मामले में, तो यार देखिए जो रिनॉल्ट लॉडजी है वो 8 सीटर कार है और इसके अंदर आपको ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है, जबकि किया सेल्टोस एक छोटी फैमिली के लिए 5 सीटर कार है। तो अगर आपका परिवार बड़ा है तो आप रिनॉल्ट लॉडजी ही लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लें बूट स्पेस किस में ज़्यादा है, तो रिनॉल्ट लॉडजी में आपको 207 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जबकि किया सेल्टोस में आपको 433 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम लोग सेफ्टी की बात करें, तो रिनॉल्ट लॉडजी में आपको ब्रेक असिस्ट, हेलोजन हेडलैम्प्स, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, एंटी थेफ्ट डिवाइस देखने को मिल जाता है, जबकि ये सारी चीज़ें आपको किया सेल्टोस में नहीं देखने को मिलता है। जबकि आपको किया सेल्टोस के अंदर स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, ISO चाइल्ड फिक्स माउंट देखने को मिलता है, जबकि ये दो चीज़ें आपको रिनॉल्ट लॉडजी में नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों अब आपको एक चीज़ यहाँ पे हैरान कर देगी, जो रिनॉल्ट की लॉडजी है ये एक 4-व्हील ड्राइव कार है, जबकि किया की सेल्टोस एक टू व्हील ड्राइव कार है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी लगेगा कि यार सेम प्राइस आपको पे करना है, तो भाई आपको यहाँ पर आपको 8 सीट भी देता है रिनॉल्ट लॉडजी और एक 4-व्हील ड्राइव कार भी आपको देखने को मिल जाता है। दोनों गाड़ी में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों दोनों ही गाड़ी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा सीट्स हैं और आपको थोड़ी सी 4-व्हील ड्राइव ऑफ रोडिंग करना पसंद करते हैं, तो भाई रिनॉल्ट लॉडजी आपके लिए बेस्ट साबित होगी। वहीं आपकी ज़रूरत अगर छोटे परिवार है, 4-5 लोगों सिर्फ जाना है और आपको थोड़ा सा बेहतर एवरेज चाहिए, तो किया सेल्टोस भी काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। दोस्तों दोनों गाड़ी में से आपको किस गाड़ी का लुक ज़्यादा पसंद आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करेंगे इसकी फुल फीचर्स के मामले में। आज की वीडियो में हमने कंपेरिजन की थी रिनॉल्ट लॉडजी की RXZ मॉडल 8S और हमने किया सेल्टोस की STK+D मॉडल के साथ। दोस्तों जो किया की गाड़ी थोड़ी सी महंगी है, वही हमारी रिनॉल्ट लॉडजी थोड़ी सस्ती देखने को मिलती है। तो यार इंडिया में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि भाई लोगों को बड़ी गाड़ियाँ पसंद है, तो भाई आपकी पसंद अगर बड़ी गाड़ी है तो आप भाई रिनॉल्ट लॉडजी ले सकते हैं, भाई सेम प्राइस पर बड़ी गाड़ी मिल जा रही है, क्या चाहिए। वहीं किया सेल्टोस नया कंपनी है, नया मॉडल है, थोड़ी सी आपको मॉडर्न फील देगी किया सेल्टोस, जबकि रिनॉल्ट की लॉडजी थोड़ी सी आपको अपडेटेड फील देती है, पर इतनी भी नहीं कि मतलब बेकार लगती है, अच्छी लगती है यार लॉडजी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको पर्सनली कौन सी गाड़ी पसंद आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर।